हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा की ट्रिक की। अलजेब्रा की कैसी ट्रिक? प्रश्नों को देखकर ही आप उसका आंसर बता देंगे विदाउट पेन और पेपर के। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स की पावर 99 प्लस 1/(x^99) = 11। ये दे रखा है और आपसे पूछा गया है x^-1/(x^99) = व्हाट। यहाँ पर क्या आएगा? जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा के एग्जाम पेपर में। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आप देखकर ही उसका माइंडली आंसर बता सकते हैं। करना क्या होगा, यहाँ पर एक्स की पावर कुछ भी दे रखी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पावर से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो दे रखी है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है इस 11 से। आप यहाँ पर 11 का करेंगे क्या, आप 11 का स्क्वायर कर दीजिए। 11 का स्क्वायर -4। ये -4 इसलिए करना है, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो -4 करेंगे, यदि यहाँ पर प्लस दे रखा है तो +4 करेंगे। जो संख्या दे रखी होगी उसका स्क्वायर करके -4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ -4 है। तो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, और इसमें से माइनस कर दिया 4, तो आपके पास बचेगा 117, और इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि इसका आंसर आता है रूट में, तो आपको जनरली कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी है इक्वल के बाद में उसका स्क्वायर कर दीजिए। या माइनस है, -4 करना है, हमेशा -4 करना है और कोई संख्या नहीं, हमेशा -4 करना है। तो -4 कर दिया, आपका बचा 117, तो 117 के ऊपर रूट लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आंसर इसका रूट में ही आना है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यदि प्लस दे रखा है, माइनस में क्वेश्चन दे रखा है, प्लस में पूछा गया, तब कैसे करेंगे? तो उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है x^(n-1/(x^n) = k। यहाँ कोई संख्या दे रखी होगी, अब पूछा गया ये माइनस में दे रखा है, अब पूछा गया आपसे प्लस में x^(n+1/(x^n) = w। यहाँ पर n की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है n की जगह यहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ k दे रखा है तो आप क्या करेंगे, k का स्क्वायर, यहाँ प्लस दे रखा है तो +4 करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो निकल के आएगा उसके ऊपर आप रूट चढ़ा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, x^5+1/(x^5) = 7। पूछा गया है x^5-1/(x^5) = w। यहाँ पर क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आप 7 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ माइनस दे रखा है तो -4 कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, -4 किया तो भी हो गया 45, और इसके ऊपर क्या करना है, आपको रूट लगा देना है। जो संख्या निकल के आई है माइनस करने के बाद उसके ऊपर रूट लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। आंसर रूट में ही आना है, यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस करेंगे, यदि यहाँ प्लस दे रखा है तो यहाँ पर +4 करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x^136-1/(x^136) = 7। x^136+1/(x^136) = w। इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा के। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ दे रखा है आपको प्लस, तो आपको क्या करना है, +4 कर देना है। तो 7 का स्क्वायर 49 +4 तो कितना हो जाएगा, 49 और 4 53, और इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x^128+1/(x^128) = 9। पूछा गया है x^128-1/(x^128) = w। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको घर से करने के लिए है। मैं कमेंट में आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। यदि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो बहुत ही इजी तरीके से आप कर देंगे, वो माइंडली ही कर देंगे आप, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों धन्यवाद।